पूरा पूरा क्या बात। सभी लोगों को मैं एक बहुत बड़े आदमी से मिलाना चाहता हूँ, कौस्तुभ। मैं आपको इसके बारे में जितनी बातें कहूँ उतना कम है। आज ये जो वीडियो है शायद उन लोगों को मोटिवेट कर दे जिन लोगों को कभी भी यहाँ पे अटेम्प्ट लगा है, जो लोग कभी भी एग्जामिनेशन में फेल हुए हैं। आपको इनकी मोटिवेटिंग स्टोरी सुन के, इनकी इंस्पायरिंग सुन के आज शायद आपका लाइफ बदल जाए। ये वीडियो को बिल्कुल देखना और उन हर दोस्तों तक के पहुंचाना जिनको लाइफ में कभी भी कोई अटेम्प्ट लगाओ। और क्या अटेम्प्ट सच में मैटर करता है? क्या क्या जिंदगी के गोल बदल सकते हैं एक अटेम्प्ट से, दो अटेम्प्ट से? क्या लाइफ बदल सकती है एक अटेम्प्ट से या दो अटेम्प्ट से? कौस्तुभ आपको बताएंगे। लोग शायद एक अटेम्प्ट, दो अटेम्प्ट, तीन अटेम्प्ट, चार अटेम्प्ट तक के थक जाते हैं। कौस्तुभ कितने अटेम्प्ट लगे? 24 अटेम्प्ट्स। 24 अटेम्प्ट्स। आई एक बार मैं वापस सुन रहा हूं, कितने? 24 अटेम्प्ट्स। क्या किया होगा, क्यों किया होगा, या इतने दाल, इतने साल यू नो दाल गली है नहीं गली है, इतने साल मेहनत करी है, क्या ऑब्जेक्टिव था? यानी कोई व्यक्ति क्यों अपने 12 साल डालना चाहेगा, क्या एम था? क्या अटेम्प्ट मैटर करते हैं? क्या लाइफ में ये वर्थ है कि इतने साल इन्वेस्ट किया जाए? क्या अपने गोल के लिए, अपने लाइफ के लिए, अपने एम के लिए क्या जरूरी है ये सारी चीजें की जाए? बात करते हैं कौस्तुभ से। कौस्तुभ एडो यार, कौस्तुभ मैं ऑनेस्टली एक बात बोलना चाहता हूँ। जैसा कि अपने लेक्चर में भी बात हुई थी, फाइनल के अंदर में अपन मिले थे, और तुमने जब मेरे को पहली बार बोला था कि सर मेरे को ऑलरेडी यू नो 22 अटेम्प्ट्स लग चुके हैं, तो क्यों, मतलब क्या था कि 24 अटेम्प्ट ऐसा हो? वॉइस थोड़ा सा रखना बच्चों को। सर ये बेसिकली शुरू हुआ 1997 में, व्हेन आई वाज इन 7। 1997 से स्टोरी स्टार्ट हो रही है जी। मेरा एक मौसी का लड़का था, अनफॉर्चुनेटली ही पास्ड अवे, और वो सीए कर रहा था, और वो पुणे में था, और वो जब पुणे में सीख रहा था तो व्हेन ही यूज्ड टू कम टू आवर हाउस, तो वो हमको बताता था कि ये ऐसा हुआ, ये वैसा हुआ, ये इतना टफ है। तो बोला कुछ टफ है तो अपने को ये करना है, और वो टाइम से मैंने डिटरमाइन किया कि अगर ये, इफ दिस इज द टफेस्ट कोर्स देन आई एम गोइंग टू डू दिस। अच्छा ये टफेस्ट है तो मेरे को करना ही है, ये जिद थी। ये जिद थी। और उसके बाद 2005 में बीकॉम करने के बाद मैंने इंटरमीडिएट के लिए एडमिशन लिया, और फर्स्ट अटेम्प्ट विदाउट एनी क्लासेस, विदाउट एनी ट्यूशन में सेल्फ स्टडी पे मैं क्लियर हो गया। सो फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर हो गए विदाउट एनीथिंग ऑन योर सेल्फ। तो फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर हो गए तो ऐसा भाई तेरा खुद ही भगवान है, अपन ही भगवान है। यस सर, एक्चुअली ऐसा फीलिंग नहीं आया, उसके पीछे सिंपल रीजन था, क्योंकि घर पे ऐसा फाइनेंशियली इतना साउंड थे ही नहीं कि कोई क्लास अफोर्ड कर सके, या फिर पुणे, नियरेस्ट क्लास वॉज पुणे एंड द सेकंड बेस्ट वॉज अंधेरी, सो इट वॉज नॉट फिजिबल फाइनेंशियली एज वेल एज अदरवाइज कि वहाँ पे जाके मैं क्लास कर सकूँ, तो ये पॉसिबल ही नहीं था। लेकिन जब फाइनल में आया तो वो टाइम पे शुरुआत में एक इनिशियल लेवल पे थोड़ा एक क्लास लगाया था, उसके बाद मेरे को आई थिंक माफा में आई स्कोर्ड एग्जामिनेशन ऑन फर्स्ट अटेम्प्ट ओनली। अच्छा, यू वर इन ओल्ड स्कूल माफा जो हुआ था, एंड आई स्कोर्ड एग्जामिनेशन, एंड देयर आफ्टर इमीडिएटली आफ्टर दैट अटेम्प्ट I cleared my first group in May 2010, and after that, for the last 10 years, I have been just fighting and fighting. कौस्तुभ यार मेरे को एक बात बताओ, क्या था इस कोर्स में जो तुमको 12 साल, मतलब अगर मैं 24 अटेम्प्ट्स की बात कर रहा हूँ, मतलब मैं 12 साल की बात कर रहा हूँ, जनरली बच्चे 1-2-5 अटेम्प्ट तक के करते हैं और थक जाते हैं, तो क्या खींच के रखा ये 12 साल की, यार क्यों, क्या वर्क था इसके अंदर में? आई थिंक मैं आपको बता दूं, कौस्तुभ ऑलरेडी एक टीचर है, पढ़ा रहा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग कॉमर्स के बच्चों को पढ़ा रहा है, तो ऐसा क्या था? क्योंकि मैं ये समझता हूँ तुम टीचर हो, मतलब फाइटर तो तुम हो ही, वो एक बेसिक चीज है, क्या था इसके अंदर? सर एक चीज, जैसे अभी आपने बोला कि सर मैं, मेरा खुद का प्रैक्टिस है, मैं पिछले 10 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जैसे मेरा आर्टिकलशिप खत्म हुआ तो वो टाइम से डिटरमाइंड था कि अपने को प्रैक्टिस ही करना है, और जब मैं प्रैक्टिस में आया तो उसके बाद जब भी मैं ऑडिट का काम करता था तो ऑडिट के लिए जब मेरे को दूसरे का साइन लेना है या किसी और के पास जाना है, इसका जो फीलिंग था, और सर सबसे बड़ी चीज अगर मेरे को कुछ यहाँ तक लेके आई है तो वो है मेरी फैमिली। 2012 दिसंबर में मेरी शादी हुई, लेकिन वो जो फैमिली सपोर्ट था, मेरी मम्मी डैडी मेरी बेटा, तो इन्होंने जो सपोर्ट किया कि
बहुत सारी बार मैं थक जाता था कि नहीं अभी बस मेरे को रुकना है, बट इन लोगों ने मेरे को कंटिन्यूअसली मोटिवेट किया। और मेरे गुरु हैं श्री अशोक जोशी सर और श्री मिलिंद वैशंपायन सर। अशोक जोशी सर इज फ्रॉम मुरुड जंजीरा एंड वैशंपायन सर इज फ्रॉम पनवेल। सो आर्टिकल्स मेरा पनवेल में हुआ मिलिंद सर के पास। तो ऑल दीज पीपल केप्ट मी मोटिवेटेड। और वो जो सर एक फीलिंग रहता है ना कि आई एम ऑलमोस्ट देयर, आई स्कोर्ड 193 फोर टाइम्स, 194 वंस, 189, 183 माय लोएस्ट। मतलब आप ये समझ के चलो कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के बाद भी आगे पीछे हो रहे थे। यस सर, आगे पीछे चल रहे थे। अच्छा, तो फिर क्या ऐसा हुआ कि नहीं मेरे को 12 साल रहना है? आई थिंक तुम कुछ और कर सकते थे, जैसे घर वाले बोलते ना एमबीए कर ले या ये कर ले वो कर ले। सर क्या हुआ कि एक फीलिंग घर पे था जो बेसिकली मैं प्रैक्टिस में आया वो टाइम पे ही था कि यू जस्ट डोंट डू दिस। 2012 के बाद एक ऐसा फीलिंग आया था कि घर पे अभी नहीं ठीक है अभी, बिकॉज इनकम वॉज नॉट क्राइटेरिया सिंस देन। जब मेरा प्रैक्टिस चालू हुआ तो उसके बाद इनकम वॉज नॉट क्राइटेरिया। और मैं उस जगह पे पहुंच गया कि उधर से देर वॉज नो कमिंग बैक, कि आगे जाके प्रोफेशन चेंज करके या किधर इंडस्ट्री में जाके उसमें तो टेक्निकली कुछ फायदा था ही नहीं। ये बात ना मैं हर बार लेक्चर के अंदर में बोलता हूँ कि यार ये एक ऐसा पोर्शन है जो तुम्हें शायद वापस नहीं आने देता। और सर वो वही जो पॉइंट है ना सर कि दैट लेट मी नहीं अभी चलो 193 आए चलो और थोड़ा मजा लेते हैं। कॉस्ट्यूम में मतलब मेरे भी शादी हो चुकी है तो मैं तुमसे एक बात करूँ, शादी के बाद यू नो ऐसी कई बच्चियां हैं जिनकी शादी हो चुकी है, कई लड़कियां हैं, कई लड़के हैं जिनकी शादी हो चुकी है, क्या उन्हें अब भी सच में कंटिन्यू करना चाहिए? 100% सर मेरा ऐसा मानना है कि उन्होंने कंटिन्यू करना चाहिए। बिकॉज सर वो क्या कर रहे हैं, मैंने ऐसे बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जो फाइनल लेवल तक आते हैं, 4 साल उसमें डालते हैं एंड देन दे लीव अवे। उसमें कुछ मीनिंग नहीं है, आइदर यू आपको छोड़ना है तो इंटरमीडिएट लेवल पे ही छोड़ दो, और फाइनल में आके आगे जाना है तो आप जिधर हो वहां से कंप्लीट करके ही बाहर निकलो। क्योंकि सर देखो अगर फैमिली सपोर्ट रहेगा ना सर तो ये पॉसिबल है, और मेरे को पॉसिबल उसी रीजन के वजह से हुआ कि मेरे को फुल फैमिली सपोर्ट था। तो सपोज अगर किसी को फैमिली सपोर्ट नहीं है और फिर भी वो करना चाहता है, उसके लिए क्या सजेशन है आपके? सर मेरा ऐसा सजेशन है कि फिर भी वो कर सकता है, बिकॉज बहुत सारे टाइम ऐसा होता है कि फैमिली के नीड्स जो रहते हैं तो वो नीड्स अलग अलग रहते हैं, उसकी वजह से फैमिली प्रेशराइज कर सकती है। लेकिन अगर वो डिटरमाइंड रहेगा तो आई थिंक ही शुड आस्क हिज फैमिली ड्यूरिंग ओनली 3 मंथ्स, और वो जो 3 महीने उसको फैमिली देगी ना वो टाइम पे उसको पूरा डिटरमिनेशन के साथ ही खड़ा रहना, यानी जस्ट गिव एवरीथिंग टू इट कि जो भी होगा ये खत्म करके ही निकलना है, ऐसा वो फिनिशिंग दिमाग में लेके चलेगा। तो मेरे को नहीं लगता कि ये ज्यादा डिफिकल्ट बनेगा, इट इज डिफिकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल। यार मेरे को एक बात करो, ये 12 साल इन्वेस्ट करना वर्थ था? 100% सर, 100%। मतलब कैसे, मतलब चलो मैं एक वो रिलेटिव टाइप के लोग होते हैं ना, मैं उस थोड़ा सा फीलिंग में आता हूँ। काय करतो एक वस्तु 12 वर्ष से काय काय झाले असते तुझे, तेरे उम्र के लोग देख क्या क्या कर रहे हैं जिसका क्या रिप्लाई, मतलब क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मेरे जितने भी बच्चे हैं ना, ऑलमोस्ट मैं और मेरे जितने भी बच्चे हैं हम सबको अटेम्प्ट लगे हैं, तो उनके साथ एक सवाल आता है, ये रिलेटिव जो होते हैं ना ये बड़े प्यारे होते हैं सर, इनको है ना आप पे प्यार नहीं आता, इनको आप पे लाड़ आता है, तो ये जो लाड़ है इसका जवाब कैसे दिया जाए? सर एक सिंपल चीज बताता हूँ कि जब भी ये ऐसे लोग बोलते हैं ना सर, लोगों का काम बोलना है, तो अगर हम उनको बोलने के लिए कुछ देते रहेंगे तो लेट देम स्पीक, हम अपना काम करते रहें और उनको बात करते रहने दो। क्या प्यारी बात बोली है, बोलने वाले बोलते रहेंगे, तुम अपना काम करते रहो और तुम्हारे कुछ गोल है उसे कंप्लीट करते रहो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जैसे शादी हो जाती है, अब तुम्हारा बेबी भी है, क्या सच में फिर भी तुमको लगता था ये कंप्लीट करना चाहिए? क्यों, मतलब क्या ऐसा था, why that goal is so important कि तुमको करना ही है कुछ? सर एक चीज तो मैंने जैसे पहले ही आपको बताई कि ये डिटर्मिनेशन मेरे भाई से मेरे को मिला, एंड लेटर ऑन इन आई थिंक 7-8 years वो रिपास करे, he was not aged but he was just 4-5 years older than me, but
उसका मोटिवेशन मेरे को था और मैं ऑलरेडी प्रैक्टिस में था, तो ऐसा मेरे को अलग कुछ ऐसा करना है कि बाबा अपने को यहाँ से जाके मेरे इनकम पे तो कुछ इम्पैक्ट होने वाला था नहीं उतना ज्यादा जितना लोगों को लगता है, अगेन दैट लोगों वाली चीज, तो लोग क्या सोचते हैं उसके लिए मैं डिटरमाइंड था कि उनको सोचने दो, उनको बात करने दो। और जो चीज मैंने बचपन से ठानी थी कि ये मेरे को अगर कुछ करना है, सर एक थिन लाइन होती है। क्लाइंट तुमसे डिग्री मांगता है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट पूछता है या तुम्हारा स्किल डिमांड करता है? सर स्किल ज्यादा इम्पोर्टेंट है देन अटेम्प्ट्स, बिकॉज सर अभी जब मैं क्लियर हुआ ना उसके बाद वो क्लाइंट तो मेरे सर्विस से मेरे स्किल से ऑलरेडी खुश थे, लेकिन जब अटेम्प्ट क्लियर हुआ उनके लिए भी वो प्रेस्टीज पॉइंट बन गया कि बाबा नहीं नाउ ही इज ऑल्सो सीए, सो उनका जो फोकस देखने का तरीका है वो टोटली चेंज हो गया। तो एक बात जब कौशिक ने आज कही कि मार्केट के अंदर में क्या मैटर करता है, मार्केट के अंदर में मैटर करता है स्किल रादर देन अटेम्प्ट, तो कोई तुमसे ये नहीं पूछता कितने अटेम्प्ट लगे? सर जो जिनको मालूम है वो तो पूछने की बात नहीं है, लेकिन जो सी आई लिव इन रूरल एरिया तो वहाँ पे लोगों ने बहुत सपोर्ट किया मेरे को, वहाँ पे भी कुछ कुछ लोग थे जैसे आपने बोला कि लोगों को क्या कहना है, वो वाले लोग भी बहुत थे जिनको बहुत लाड आता था, उनका सोचना ऐसा था कि ऐसा ये कुछ नहीं करेगा, ये ऐसे ही चल रहा है इसका ऐसे ही चलेगा, तो उनको भी जरा सुनाना था तो रिजल्ट से तमाचा हो रहा है। यस नाउ द लॉक्स हैव बीन पुट अप ऑन देयर माउथ्स। यार मैं यही बात बता, मम्मी पापा का क्या रिएक्शन? सर आई हैव फोटो विद माय मॉम, एक्चुअली आई हैवंट सीन द रिजल्ट येट मायसेल्फ, बिकॉज ऑन द डे ऑफ द रिजल्ट एक्चुअली आई वॉज प्लानिंग फॉर सम क्रिकेट मैचेस सम रिक्रिएशन एक्टिविटीज एंड सडनली फोन रैंग एंड माई बेटर ऑफ कॉल्ड मी, आई विल शो यू द फोटो, दिस इज द रिएक्शन ऑफ माई मॉम एंड लिटरली वी बोथ वेयर। मैं ये वीडियो में डालूंगा फोटो। वाइफ दिस इज द फोटो यार। यार ये फोटो है, आप देख सकते हो ये फोटो है और इस फोटो को मैं जरूर डालूंगा। ये एक्सप्रेशन प्राइसलेस है यार, कितने भी पैसे दे करके तो ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। सर एक मेरा दोस्त है सुजीत जाधव बोल के, ही इज ऑल्सो इन फाइनल, वी वेर टूगेदर इन 2009, तो वो मेरे को ऑलवेज ही यूज टू से अरे बाबा कुछ मोटिवेशन वाला दे और तेरे को उससे मोटिवेशन होके तू क्लियर हो जा, मीन्स वो बहुत अच्छी नजरिए से बात करता था। तो जब मैं पास हुआ तो उसको मैंने रिजल्ट या मैं पास हो गया ऐसा नहीं डाला, मैंने लिटरली एक गाली डाला उसको ये दोस्तों गाली देने का पंच अलग होता है, पंच अलग होता है, उसको ये फोटो डाला और उसको बोला दिस इज द मोटिवेशन। क्या मतलब माँ बाप की शक्ल ही सबसे बड़ा मोटिवेशन है लाइफ का। जिस दिन तुम पास होते हो वो जो खुशी का आंसू होता है ना वो बहुत अलग होता है, बहुत अलग होता है। कौस्तुभ एट दी एंड क्या कहना चाहोगे, मतलब किसी को भी जिसको एक अटेम्प्ट लगा हो चाहे 10 अटेम्प्ट लगा हो या जो तुम खुल के बात करना चाहो प्लीज। मैं सारे दोस्तों को ये बात पूरे दिल से कहना चाहूंगा कि जो लोग ये बीच में छोड़ रहे हैं वो गलत है, जितना पॉसिबल हो सके आप जितना उसको डेडिकेटेड टाइम देना बहुत इम्पोर्टेंट है और वो डेडिकेटेड टाइम आप दो, ये थ्रू करो, बाद में आपको अचीव करने के लिए बहुत टाइम है जिंदगी में, आपको जो कुछ अचीवमेंट्स करना है उसके लिए बहुत टाइम आपके पास है और आप वो अचीव कर सकते हो। ओनली द थिंग देर इज अ थिन लाइन दैट आई हैव ऑल द नॉलेज बट आई एम नॉट अ सीए एंड आई एम अ सीए, तो उसके बाद ये सेंटेंस की जरूरत ही नहीं है कि आई हैव ऑल द नॉलेज, ओनली द थिन लाइन दैट वंस वो डिग्री का प्रीफिक्स is the is I think everything says about that prefix CA. So मेरा सभी दोस्तों से कहना है कि जो भी जिसको extra attempts लग रहे हैं या भी जो कोई नए बच्चे भी हैं तो आप dedication से काम करो 100%, आप ये particular faculty में ये course में तो 100% आप succeed होने ही वाले हो। और एक चीज कहूंगा कि ये सब चीजों में विजय सर वॉज ऑलवेज विथ मी
मैंने जब भी कोई टेक्निकली क्वेरी जब भी उनको भेजी, भले लेट हो लेकिन उनका रिप्लाई ऑलवेज आया। ये उनका बड़प्पन है कि मेरा, मैं उनके क्लास में बाद में ज्वाइन नहीं था फिर भी वो मेरे को रिप्लाई करते थे। बहुत टाइम मैंने उनको बहुत तंग भी किया, बट ही इज अ मैन ऑफ अ हार्ट एंड आई रियली अप्रिशिएट हिज एफर्ट्स फॉर सेकेंड ग्रुप पर्टिकुलरली, बिकॉज नॉट मोर फैकल्टीज आर अवेलेबल फॉर सेकेंड ग्रुप। कौस्तुभ, एक और सवाल उन सभी लोगों के लिए जिनकी शादी हुआ, अभी ये कोरोना हुआ तो कोरोना के केस में कई लोगों का, कई लोगों के घर वालों ने ना फोर्स किया तू शादी कर ले और उसके बाद तू इस डिग्री को कर। शादी के बाद भी कई बच्चियां हैं, कई लड़के हैं जिनका फैमिली सेट हो चुका है, उनने भी करना चाहिए। मतलब ये लड़ाई पैसे की से ज्यादा अस्तित्व की बन जाती है मेरे हिसाब से, एक पॉइंट के बाद अपनी आइडेंटिटी ही बन जाती है। सर ये जैसे आपने कहा, ये इट्स नॉट मैटर ऑफ मनी। सी सर, जो इंटरमीडिएट में पास होके छोड़ दिया, जिसने फाइनल छोड़ दिया, उसके लिए भी ये इनकम वाइज ज्यादा कुछ मैटर करने वाली चीज है नहीं, ऐसा मेरे को लग रहा है। डेफिनेटली इट विल मैटर इन द लॉन्ग रन, बट शॉर्ट रन में फिर भी 5-10 साल के पीरियड में ये ज्यादा कुछ मैटर करेगी ऐसा मेरे को नहीं लग रहा है। बट एज अ प्रेस्टीज मैटर, एज अ मैटर ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, तो वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर वो फैमिली भी उनका है तो भी वो थोड़ा जोर लगा के अटेम्प्ट देंगे तो वो क्लियर हो सकेंगे। सर क्या बात है यार। सर दो लाइन अपने वाइफ, अपने फैमिली के, कि अब तुम क्या करना चाहते हो उनके लिए। नो डाउट तुमने एक मेहनत कर ली और उनके लिए कुछ अचीव कर लिया, उनने अब तक तुम्हारे लिए कुछ कर लिया, ठीक है, नाउ व्हाट नेक्स्ट, तुम अब उनके लिए क्या ड्रीम लेके जाने चाहते हो। सर हमारा पूरा ओपन फैमिली है, मींस ओपन कल्चर फैमिली है, तो जैसे अभी तक चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है, और जो मेरे कमिटमेंट्स है वो तो मैं पूरे कर रहा हूँ, जो उनके कमिटमेंट्स है वो उनकी तरफ से ज्यादा कमिटमेंट्स पूरे कर रहे हैं, तो आई जस्ट वॉन्ट माई फैमिली टू बी हैप्पी। सर आई विल से वन पर्टिक्युलर सेंटेन्स, मराठी मध्ये आम्ही बोललो तर जास्त चांगलं होईल। सर सुख आणि आनंद ह्याच्यामध्ये खूप फरक आहे, सुख आणि आनंद ह्याच्यामध्ये खूप फरक आहे। जेव्हा तुम्ही देवाकडे, देवाला हात जोडता, प्रार्थना करता, तेव्हा मी नक्की सांगेन की तुम्ही आनंद मागा, बिकॉज सुख हे क्षणिक असतं आणि आनंद हा चिरकाळ टिकणारा असतो, आणि त्यामुळे तुम्ही जेव्हा प्रार्थना कराल, तुम्ही देवाला मानत नसाल तरी, अगदी एखादा म्हणजे नास्तिक सुद्धा असू शकतो, व्हेनेव्हर यू आर प्रेइंग फॉर युअरसेल्फ, यू आर प्रेइंग फॉर अदर्स, जस्ट प्रे दॅट यू विल बी हॅप्पी। आनंद हर चीज मे खुश राहू, येस, रादर देन मे को सुख मिले मैं खुश रहूं, येस, सो हॅपीनेस इज मोर इम्पॉर्टंट देन यू नो पार्ट टाइम हॅपीनेस, येस, दॅट शुड बी अ लॉन्ग वन, येस, ओके, येस। सो कौस्तुभ, मतलब मैं तुमको ऑनेस्टली बता दूं, इंटरव्यू ना हर बार उनका लिया जाता है जो ऑल इंडिया रैंक में आते हैं। मैं क्योंकि एक अटेम्प्ट लगाया हुआ हूं और मुझे उसकी कीमत बहुत ज्यादा पता है, और मेरे लिए ना वो बच्चे भी उतने मैटर करते हैं, मतलब जितने रैंक वाले हैं मेरे लिए उतने बच्चे भी मैटर करते हैं कि जिनका नहीं हो पाया। और मैं बस ये जो बात थी, क्योंकि अगर तुमको याद हो जब तुम पहली बार क्लास में आए थे तब भी मैंने तुमसे ये कहा था कि जिस दिन तुम्हारा होगा उस दिन आई विल बी टेकिंग योर इंटरव्यू एज अ मैटर ऑफ प्राउड, क्योंकि ये मेरे लिए इक्विवेलेंट टू रैंक होगा, क्योंकि इतने स्ट्रगल के बाद तुमने ये काम किया है। सो मैं मेरे तरफ से, पूरे वी स्मार्ट की तरफ से तुम्हें बहुत बहुत बधाई देता हूँ, एंड यू प्लीज कीप अस इंस्पायरिंग, यू कीप अस इंस्पायरिंग टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट जिसको भी तुम देखो।